हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास सेकेंड ईयर। हमने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था पीडीएफ में, आज फर्टिलाइजेशन निषेचन टॉपिक था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है निषेचन, निषेचन क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। वास्तव में द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड तक, उसमें पढ़ा है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन और आगे, अब इंटरमीडिएट क्लास में आ गए हैं। तो इसमें प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, हम सीधे सीधे गैमेट्स का फ्यूजन ना कह करके कहेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मीन्स अगर हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो नर एवं मादा के युग्मकों के पूर्व केंद्रकों के संयुग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब बात होती है कि यह प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो यह क्रिया सदैव अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इट ऑलवेज अकर्स इन ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मादा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के, उसमें उसका एक जो पार्ट होता है ओविडक्ट, उस ओविडक्ट पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम उसके बाद बात करें कि यह प्रोसेस किस प्रकार कंप्लीट होती है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन की, वो देखिए आप। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया। देखिए जब भी निषेचन होती है प्रोसेस, तो इसके उपरांत एक जो टिश्यू बनता है उसको हम युग्मनज या जायगोट कहते हैं, विच आर डिप्लॉयड, जो कि द्विगुणित होता है। और जो गैमेट्स होते हैं, जो कि इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स। ये गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं और हैप्लॉयड हैप्लॉयड गैमेट्स मिलकर के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम जायगोट या युग्मनज कहते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, देखिए अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है, इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। यहाँ पर ये ओवरी है, फिसोलेरियम के द्वारा बंद है, इस प्रकार से। अब यहाँ से ओवम रिलीज होता है 14th डे, 14वें दिन रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, इसके 14th कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होते हैं। हार्मोन्स के अंडर रेगुलेशन में 14th डे ओवम रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ओवुलेशन, अंडोत्सर। इसके पश्चात ये ओवम फिम्ब्रिएटेड फनल के द्वारा खींच लिया जाता है ओविडक्ट में आ जाता है, और स्पंज होते हैं वो वजाइनल वॉल के थ्रू यूट्रस से होकर के ये स्पंज ओवम के कांटेक्ट में आते हैं चारों तरफ लाइक दिस। यहां पर जो स्पंज का मूवमेंट होता है उसको फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। स्पंज जो टेल होती है फ्लैजुला, वो फ्लिकरिंग करती है इस प्रकार से। फ्लिकरिंग करने के बाद वो उसकी दीवार के सहारे इस पर चढ़ते रहते हैं दीवार पर, और इनकी जो रेट होती है वो जनरली 5 mm पर मिनट इनकी जो रेट होती है आगे बढ़ने की। तो इस प्रकार ये दीवार के सहारे वजाइनल दीवार को यूटराइन यूटराइन
दीवार है, इसके सहारे ओविडा तक पहुंचते हैं और मेयर ऑफ स्पंज इसके अंडे के आसपास में आ जाते हैं और फिर कुछ एक में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। इन केमिकल चेंजेस की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ओवम की थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, सामर्थ्य धारिता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सामर्थ्य धारिता और कैपेसिटेशन। और फिर अब हम इसको आप डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए ये ओवम है, ओवम के बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को थोड़ा अच्छा कर जिससे रिलेटिविक ठीक होती है। ये जो लेयर होती है इसको जोना पेरिसाइडल लेयर कहा जाता है, दिस इज जोना पेरिसाइडल लेयर। ये लेयर क्या है? जोना पेरिसाइडल लेयर है। अब इसके ठीक बाहर एक लेयर और है, दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, न्यूक्लिएटेड सेल्स। इस प्रकार से आपको दिखाई दे, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको इस तरह से सेल्स दिखाई दे, इनमें भी न्यूक्लियस होता है। अब इसके ठीक बाहर की ओर प्रोन्यूक्लियस, आप मेल प्रोन्यूक्लियस है और एक नहीं दो नहीं बल्कि मिलियन स्पर्म से इस तरह से चिपके रहते हैं। फिर इसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म बनाया जाता है, होमोजेनस होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है एग का। अब देखिए इस लेयर को हम जो व्हाइट कलर की लेयर आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर की लेयर, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसके ठीक बाहर की ओर, दिस इज कॉल्ड जोना पेरिसाइडल लेयर एंड आउटर लेयर इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। ये स्पर्म है, स्पर्म आर मेल गैमेट, दिस इज
साइटोप्लाज्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस। अब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर यहां पर प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले क्या था, मैंने भी बताया था कि एग में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से स्पर्म एग की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक्टोसोमल वेसिकल जो होती है जो स्पर्म में प्रेजेंट है, इस स्पर्म में एक्टोसोमल वेसिकल रप्चर होती है और इसमें जो एंजाइम कंटेन होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसकी वाल को तोड़ देते हैं, अगर ये लाइटिक एंजाइम है इसको डिजॉल्व कर देते हैं, जिससे एक पाथ अपाथ क्रिएट बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम के बीच एक रास्ता बन गया है आने जाने का, जिससे मेल प्रोन्यूक्लियस इज ट्रांसफर इनटू ओवम। अब यहां पर क्या होता है कि आप देखेंगे ये पाथ बन गया है, रास्ता बन गया है दोनों के बीच में, और जो ये लेयर थी डिजॉल्व हो गई है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट हुए, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, हायलुरोनिक एसिड, न्यूरामिनिडेज एंड एप्रिसिन। दिस एंजाइम डिजॉल्व द डिफरेंट लेयर ऑफ, दिस एंजाइम डिजॉल्व द डिफरेंट लेयर ऑफ एग एंड मेक अ पाथ बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। आफ्टर दैट द मेल प्रोन्यूक्लियस इज ट्रांसफर इनटू एन एग, ये एग इस रास्ते से ट्रांसफर होकर के यहां पर आ जाएगा। मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस जो है ये दोनों जो है फ्यूज होकर के एक जो जायगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड जायगोट। अब ये स्ट्रक्चर जायगोट कहलाएगा क्योंकि हैप्लॉयड और ये हैप्लॉयड। अभी मैंने जो डिफाइन किया था डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखिए ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है क्योंकि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए हैं। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जायगोट कहलाएगा। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ओविडक्ट में, इट ऑलवेज अकर इन ओविडक्ट। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके पश्चात क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज विदलन कहते हैं हिंदी में। लेकिन यह सेल डिवीजन नॉर्मल सेल डिवीजन से डिफर करता है बिकॉज क्लीवेज ऑलवेज अकर्स इन जायगोटिक सेल बट नॉर्मल सेल डिवीजन अकर इन सेमेटिक सेल्स और गैमेटिक सेल्स। गैमेट सेल का तो फॉर्मेशन होता है जर्नल सेल्स, लेकिन यहाँ पर जो क्लीवेज की प्रोसेस होती है वो हमेशा जायगोट में होती है। अब ये जायगोट डिवाइड करेगा, एक सेल सिंगल सेल है, सिंगल सेल फिर एक से दो सेल बनेगी, दो से चार सेल बनेगी, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। तो इस प्रकार से सेल डिवीजन करेंगे और लास्ट में क्या होगा, ब्लास्टुला मरुला आदि स्टेजेस होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये सेल्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे वो यूट्रस में पहुंचकर इम्प्लांटेशन करता है। तो थैंक यू बच्चों, आज आपने इस वीडियो में सीखा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।